हेलो फ्रेंड्स, ऐसे कई बार होता है कि आपकी कोई जेन्युइन बैंकिंग कंप्लेंट है, मे बी रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज, बैंक चार्जेस, स्टाफ रिलेटेड, या ऐसे लगता है कि ये तो बैंक ने गलत किया मेरे साथ, इसके लिए मुझे आवाज उठानी चाहिए, बैंक को मुझे कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो करना ही चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे केस में या तो आप बैंक में कंप्लेन कर सकते हो या तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में। लेकिन कैसे रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन भी बताऊं जो सीधा आपकी कंप्लेंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा सकता है और जिसका रिजोल्यूशन सिर्फ 30 दिन में मिल भी जाता है। मैं बात कर रही हूँ पब्लिक ग्रीवेंस PG पोर्टल की, जिसे CPGRAMS यानी कि सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहते हैं। CPGRAMS बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर वर्क करती है। इस PG पोर्टल यानी कि पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर हम अपनी बैंकिंग कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है और टाइप करना है PG पोर्टल। यहाँ हमें सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें हमारे बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट करने के लिए ग्रीवेंस सेक्शन में जाकर लॉज पब्लिक ग्रीवेंस ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है दैट ग्रीवेंस कैन नाउ बी लॉज्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड यूजर्स। सो हमें सबसे पहले अपना लॉगिन रजिस्टर करवाना होगा। सो हम क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड ऑप्शन पर। कुछ इस तरह से ये वेबसाइट दिखेगी जहाँ हमें हमारे डिटेल्स फिल करने होंगे। सो जल्दी से हमारे पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेते हैं। नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। यहाँ पर आपको नो करना है अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एक्स सर्विसमैन उन्हें कहते हैं जो हमारे देश के डिफेंस फोर्स से रिटायर्ड हुए हैं। एनीवेज, सारे डिटेल्स फिल करने के बाद हमें दिया हुआ कैप्चा कोड एंटर करना है और क्लिक करना है सबमिट बटन पर। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा कि एक वेरिफिकेशन लिंक आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर सेंड की गई है। सो यहाँ मैंने अपना रजिस्टर्ड ईमेल ओपन कर रखा है। कभी कभी मेल इनबॉक्स के बदले स्पैम फोल्डर में ईमेल चला जाता है, सो आप आपका स्पैम फोल्डर भी चेक करें। और ये हमें लिंक मिल गई है, इसे कॉपी कर लेना है और नए टैब में जाकर पेस्ट करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने मिलता है। यहाँ हमें OTP और कैप्चा कोड फिल करने के बाद अब हमें यहाँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है जो हमें लॉगिन करने के समय यूज होगा। इस पेज की डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमारा यूजर ID रजिस्टर हो जाएगा और कुछ इस तरह का मैसेज पॉपअप होगा। इस यूजर ID को कॉपी कर लेना है और अब आपको सिंपली होम पेज पर जाकर साइन इन करना है। आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या यूजर नेम डाल सकते हैं। मैं यहाँ मेरा यूजर नेम और पासवर्ड डाल देती हूँ जो अभी हमने बनाया। कैप्शन डालने के बाद फाइनली हम PG पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ मेक श्योर कि आपकी कंप्लेंट इन सब से रिलेटेड ना हो। आई अग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे हम अलग अलग कैटेगरीज में कंप्लेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर लेबर एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेस, पोस्ट एक्सेट्रा। फिलहाल हमारी कंप्लेंट बैंकिंग रिलेटेड है तो हम फाइनेंशियल सर्विस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का नाम शो हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग रीजंस आ रहे हैं जैसे कि बैंक लॉकर रिलेटेड, हैरेसमेंट, बैंकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आपकी कंप्लेंट के लिए सूटेबल है वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ हम एग्जांपल के लिए चूज कर लेते हैं मिसबिहेवियर, हैरेसमेंट, करप्शन बाय बैंक स्टाफ। अब आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है तो हम एग्जांपल के लिए ये बैंक और उसकी रेस्पेक्टिव ब्रांच डाल देते हैं। अब नीचे यहाँ आपको आपकी कंप्लेंट का ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें अब मिसबिहेवियर का ऑप्शन चुनना है तो आपको पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी कि आप कब बैंक गए थे, किस लिए गए थे, बैंक स्टाफ ने क्या कहा, क्या मिसबिहेवियर देखा आपने एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कंप्लेंट रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर है तो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं और फिर अटैच और नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ अब आपको आपकी कंप्लेंट का समरी मिल जाएगा। अगर कोई कंप्लेंट रिलेटेड रेफरेंस नंबर
या रेफरेंस डेट है तो आप यहाँ फील कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में हम यहाँ डेट डाल सकते हैं कि मिस बिहेवियर कब हुआ था। फिर आगे आप आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और कैप्चा कोड डालकर फाइनली आपकी कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हो और फिर होम डैशबोर्ड पर आप आपकी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हो। एंड लास्ट, अगर आपको आपकी कंप्लेंट का सोल्यूशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता तो आप इस ऑप्शन से अपील लॉन्च कर सकते हैं जो आपकी कंप्लेंट को सबसे ऊपर लेवल की अथॉरिटी के पास ले जाएगा। सो इसी के साथ ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो फॉर लॉजिंग बैंकिंग कंप्लेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PG पोर्टल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।